आपके परिवार कैसे है, जरूर अच्छे होंगे, खुश होंगे भगवान का आशीर्वाद से। सुबह का अभी 8:30 बज चुका है, मेरा रोज का काम हम खत्म करके नहा करके पूजा कर लिए, नहाए नहीं है, कपड़ा चेंज करके हाथ पैर धो लिए, नहाने से तबीयत और बिगड़ जाएगा। नाश्ता भी बना चुके हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं, नाश्ता बन के रेडी हो गया। मेरे को इतना भूख लग रहा है, जबकि हम भूखे रहने वाले इंसान हैं, हम भूखे रह जाते हैं, इतना भूख लग रहा, भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मम्मी हलवा बना रही है, तब बनाने दीजिए, हम रोटी खा लेंगे। सूजी फ्राई व्राई करके सब रख दिए, बस दूध उबलेगा तो सूजी तो तुरंत बन जाता है। सूजी का हलवा ज़्यादा लेट नहीं लगता है, जैसे खीर गाजर का हलवा इस समय बहुत लेट लगता है, सूजी का हलवा जल्दी हो जाता है। असली बात दवा खा रहा है। नाश्ता कर लिए, बर्तन नहीं धोए, सब्जी लंच के लिए काट लिए, थोड़ा पूरी का डंठी बहुत लंबा हो गया, कुंडला में देंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा ले लिए हैं और थोड़ा सा लेंगे। ये देखिए कितना बड़ा भर है, ये मेरा दीदी का घर का तरफ पूरा भरा हुआ है। मेरे को थोड़ा चाहिए, थोड़ा ले गए थे, अभी खाली बाहर निकलेगा, बाहर जो डॉगी लोग नहीं घूमते रहता है वही लोग को देख रहा है, घूम रहा है, सुसु करेगा। चलो लंच के लिए सब्जी काट करके धो लिए हैं, ये फूलगोभी का साग है, इसको फ्राई करेंगे बैगन डाल के और कुमड़ा पुई का डंठी और आलू का सब्जी बनाएंगे, और कच्चा केला, आलू, टमाटर था अपना पेड़ में हुआ था छत का फ्राई, टमाटर घर में नहीं, सोमा गई थी छत का ऊपर तोड़ के लाई, इसको देके कड़ी बनाएंगे पोस्तो डाल के। मछली भी धो करके रख दिए हैं, कढ़ाई बैठा दिए हैं, सोमा का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, सोई, हम जा रहे हैं नाश्ता वाला, सब्जी मछली फ्राई करते रहेंगे, सब्जी बनाते रहेंगे, नाश्ता वाला बर्तन देंगे पड़ा है, बोल रही थी धोएगी, हमने मत धो, फिर उसको थोड़ा खराब लग गया, दवा भी तो आजकल का ज़्यादा खाने से ठीक नहीं है ना। आज के लिए सब्जी बन के रेडी हो गया, कच्चा केला, आलू, मछली का कड़ी बना लिए हैं, और कुमड़ा पूरी का डंठी, आलू और मछली का मुन्नी देके बनाए हैं, और फूलगोभी का छोटा छोटा साग जो नहीं निकलता है वही बैगन देके फ्राई करें। आज का मेनू यही है, सुबह जो आलू फूलगोभी फ्राई किए थे वो भी है, सोमा का तबीयत ठीक नहीं लग रहा, सोमा सोई है, सोमा सोई, हम नाश्ता का बर्तन वर्तन धो करके लंच बना लेंगे, गैस वैस पोछा लगाएंगे, कढ़ाई धोएंगे, बस आज का मतलब लंच का काम खत्म, लंच का बना हुआ काम खत्म, अभी लंच नहीं किए हैं। आजकल सबका तबीयत खराब होने लगा, सर्दी खांसी बुखार, समझ में नहीं आ रहा, सोमा का तबीयत नहीं ठीक होते होते तबीयत मेरा हो गया, फिर सर्दी खांसी बुखार, बुखार का तो दवा खाके ठीक हुए, सर्दी खांसी पूरा कान सब दर्द कर रहा है। सोमा अभी ठीक हुई, पूरी बना रही है, हम आलू कुछ तो बना लिए, फिर खीर बनाएंगे, खड़ा हो नहीं सकते हैं, सोमा का फरमाइश खा नहीं सकते कुछ, दवा खाने से मुँह पूरा तीता हो जाता है, इसीलिए उसी के लिए थोड़ा खीर बना दे रहे, जल्दी खड़ा होने मने जल्दी बनाएंगे, उनके कुकर में बना लिए, सोमा पूरी छान ली, अकेला कर रही है, सानी भी अरे कर रही है, हमको कड़ा होने मने, हम आलू कुछ तो कर लिए हैं, आलू पोस्तो बन के इधर रेडी हो गया, उधर सोमा पूरी बना ली, हम खीर चढ़ाए हैं, सिर्फ दूध दे के चावल को उबाल लिए हैं, अभी दूध नहीं डाले हैं, दूध डालेंगे। खीर भी ऑलमोस्ट बन के रेडी ही हो गया है, देखिए कैसे उबल रहा है, मामा बन के रेडी, मम्मी सिंहासन पे बैठी है, उन्हें मन नहीं कर रहा इसलिए हमने ऊपर में थोड़ा बैठ जाते हैं, मेरे को खड़े होने मन नहीं गए, पूरी बना ले थक गए, इस साल नवंबर में भी तबियत खराब, दिसंबर से लेके जनवरी तक अभी इतना मेरा इस साल उस साल खत्म, हाँ 2023 खत्म, 24 में मेरा भी 2023 में बहुत खराब हो रहा था, 2024 में फर्स्ट बार हुआ, खाना बनाने का नया सिंहासन।
पहले डिनर करने गर्मा गर्म अच्छा लगेगा, पूरी आलू पोस्तो और खीर। डिनर कर लिए, कल तिल संक्रांति है 14 तारीख। हम लोग हमेशा 14 तारीख को ही तिल संक्रांति मनाते हैं, कोई कोई आजकल 14-15 ऐसे ही मनाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। सब पर्व एक दिन दो दिन मनाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। एक दिन मनाने से सबको अच्छा लगता है, नहीं तो सबको ही को पूछते रहते तुम कब मना रहे हैं, तुम आप लोग कब मना रहे हैं, आप लोग कब मना रहे हैं। मेरा दीदी को हम पूछ रहे थे कल, दीदी तुम कब मना रही थी, दीदी बोली कल 14 तारीख। इसीलिए हम लोग भी 14 तारीख को नहा, कैसे ना है तबीयत खराब है, माथा उथा धो के नहाएंगे, थोड़ा लेट होने से नहाएंगे। सुबह जो नहाते थे 4-4:30 बजे वो नहीं नहाएंगे, थोड़ा लेट से नहाएंगे, ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा बहुत अच्छा जो लगा और अधिक हो जाएगा। आज का ब्लॉग यहीं करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखा कीजिए कम से कम। गुड नाइट, बाय। कंजूस मत कीजिए, थोड़ा देखा कीजिए।